केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। कल देर रात जहां आंधी तूफान से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन इससे बीच मनसाही प्रखंड के अंतर्गत साहेब नगर पंचायत छोटकी मीरकाहा गांव के रहने वाले मोहम्मद केदारू अली अब्दुल खालिक मला कस्तूर सोएब अली मोहम्मद शमीम जियाउल हक रजाउल हक और अनारुल हक सहित 9 व्यक्तियों के घर जल गए। आग लगने के बाद सारा सामान जलकर राख हो गया एवं जान माल की भारी क्षति हुई। कोई व्यवस्था नहीं। पलंग जल गया और चौकी जल गया, क्या बोलेंगे। लोगों ने बताया है कि आगलगी से 3 लाख रुपए भी जल गए जिससे सभी घरों की 11 से 12 लाख की क्षति हुई है। रात में हवा चलने के कारण आग लग गया था 11 बजे रात में। तो क्या क्या क्षति आया है? क्षति इसमें 9-10 घर जला है जिसमें कुछ भी नहीं बचा है। 10 परिवार का? ये लगभग 10-11 परिवार का घर जल गया है। सारा कुछ सामान जल गया है। उस समय आंधी भी बहुत तेज था और आंधी से ही आग ज्यादा आई है। सारा सामान घर में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि निकाल सका है जी। कुछ नगद पैसे भी? हाँ, नगद भी कुछ जला है। कितना? शादी ब्याह के लिए 1.5 लाख रुपया जमा करके रखा था, ईद के बाद ही शादी था, सब जल गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा अगर मुआवजा देने की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर प्लास्टिक दी गई और सीओ शशि के द्वारा अपने निजी कोष से सभी आग पीड़ित परिवारों के बीच चूड़ा मूढ़ी और गुड़ का वितरण किया गया। सरकारी तरफ से सिर्फ इस पर नहीं आया है, ये मूढ़ी और चूड़ा जो है साहब अपने तरफ से। नाम बोलने में ले लो अभी तक मिलों को पोलोथिन दिया गया है और उसके अलावा सीओ साहब द्वारा चूड़ा मुढ़ी गुड़ दिया गया और हम लोग जहाँ तक जो सके वो सहायता कर रहे हैं।